नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धांत पवार। आज हम बात करेंगे यूक्रेन के क्या क्या अवेलेबल ऑप्शन है। अगर कोई यूक्रेन जाना चाहता है तो उसके पास इंडिया से बहुत सारे लोग हैं जिनका बजट कम होता है, तो यूक्रेन एक अच्छा ऑप्शन है। यूरोप करता है तीन शेंगेन कंट्री से, पोलैंड, स्लोवाकिया और हंगरी। यूक्रेन का बॉर्डर इन तीनों के साथ शेयर होता है। तो अब मुद्दे की बात पे आते हैं, अगर आप यूक्रेन जाना चाहते हो तो आपके पास एक तो ऑप्शन रहता है स्टडी वीजा। स्टडी वीज़ा में आपकी एज मैक्सिमम 35 तक चल जाती है और कुछ यूनिवर्सिटीज 40 तक आपकी एज लेती हैं। तो अगर आपकी एज ज़्यादा है, बजट कम है, तो आप यूक्रेन जा सकते हो। यूक्रेन का स्टडी वीज़ा डी कैटेगरी होता है, जो कि 90 डेज का इंडिया से लगता है। अब आप यूक्रेन जाना चाहते हो तो यूक्रेन के स्टडी वीज़ा की मैं आपको रिक्वायरमेंट बताता हूँ। मिनिमम 12th होना चाहिए, गैप का कोई इशू नहीं है, 10 साल, 12 साल, 15 साल तक का गैप चल जाता है। फंड्स भी 2.5 लाख की फंडिंग चल जाती है और वीज़ा का रेशो ऑलमोस्ट बहुत हाई है। आप इलिजिबल ऑलमोस्ट 99% आपको वीज़ा इशू हो जाता है। अब यूक्रेन में स्टडी पैकेजेस चलते हैं, जो स्टडी पैकेज में आपका इनविटेशन लेटर, डी कैटेगरी वीज़ा जो 90 डेज का होता है, एयरपोर्ट पिकअप, 1 साल की फ़ी और वीज़ा फ़ी, प्लस इसके साथ में आपकी एयरपोर्ट जो क्लियरेंस होता है वो भी इसमें ही होता है, आई मीन जो एयरपोर्ट पिकअप होता है। और इसके साथ साथ जब आप यहाँ से यूक्रेन जाते हो, आपको वहाँ पे 1 साल की TRC मिलती है, जिसको हम रेजिडेंसी परमिट भी बोलते हैं। ये तो रहा स्टडी वीज़ा का। सेकंड ऑप्शन रहता है हमारे पास यूक्रेन का वर्क परमिट, ओपन वर्क परमिट यूक्रेन का मिल जाता है। अब ओपन वर्क परमिट में अगर मैं आपको डिटेल में बताऊँ तो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। बेसिकली यूक्रेन का ओपन वर्क परमिट होता नहीं, तो वो कभी और बात करेंगे किसी और वीडियो में। फिलहाल पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। यूक्रेन का जो ओपन वर्क परमिट होता है वो भी सेम होता है, डी कैटेगरी वीज़ा होता है, D04 कैटेगरी वीज़ा होता है इसका। तो D04 कैटेगरी आपका वर्क परमिट होता है, जो अगेन 90 डेज का होता है। यूक्रेन जाने पे आपके TRC लगती है, जो कि आपकी एम्प्लॉयमेंट TRC होती है। स्टडी वीज़ा में आपकी TRC लगती है स्टूडेंट TRC, वर्क परमिट में एम्प्लॉयमेंट TRC लगती है। अब यूक्रेन अगर आप जाना चाहते हो तो आपके पास दो अवेलेबल ऑप्शन है। अब इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, यूक्रेन में जैसे आप जाते हैं लिविंग एक्सपेंसेस बहुत सस्ते हैं, एजुकेशन बहुत सस्ती है, बट आप अगर वहाँ पे जाएंगे तो जॉब की अपॉर्चुनिटीज कम है। देखो, पहली बात तो जॉब मिलती नहीं है बिकॉज ऑफ लैंग्वेज बैरियर। इफ़ यू समहाउ मैनेज टू गेट अ जॉब तो प्रॉब्लम ये आती है कि सैलरी बहुत लो है, 250, 300, 400 डॉलर मैक्सिमम टू मैक्सिमम, उससे ज़्यादा सैलरी आपको नहीं मिलती। अगर कोई आपको बोलता है कि 50,000, 60,000 आपको सैलरी मिलेगी तो आपको झूठ बोल रहा है। ऑन एन एवरेज 20,000 से लेकर 30,000 आपकी सैलरी होती है। सेकेंड, आप लोग आपको बोलेंगे आप यूक्रेन जाइए, वहाँ से इलीगल बॉर्डर क्रॉस करके शेंगेन चले जाइए। देखो, बॉर्डर रोड से कनेक्टेड है, आप जा सकते हो, बट बॉर्डर बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत वहाँ पे आके समझो कि क्रॉस करना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप समाओ मैनेज भी करते हो क्रॉस करने के लिए और पकड़े जाते हो तो उसके रिजल्ट बहुत मतलब बुरे होते हैं। तो इट्स बेटर आप जाना चाहो तो यूक्रेन जाओ, स्टडी करो या वर्क परमिट पे जाओ, वहाँ पे सेटलमेंट का ऑप्शन देखो। 1-2 साल बाद अगर वहाँ से मूव होना चाहते हो तो आप उसको एज अ गेट पे यूज कर सकते हो। तो ये यूक्रेन के मैंने आपको ऑप्शन बताए। अगर आप यूक्रेन जाना चाहते हो तो आप इसमें से चूज कर सकते हो क्या क्या जो भी ऑप्शन मैंने आपको अवेलेबल दिए है। बाकी अगर इसके अलावा आपको कोई इंक्वायरी होती है आप मुझे ईमेल कर सकते हो, मैं कोशिश करूँ कि आपको ईमेल पे आंसर करूँ। थैंक यू। थैंक्स।